हेलो फ्रेंड्स मोनो ट्रेल अकेडमी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाइजीरिया मनेंजाइटिस ठीक है तो ये जो बैक्टीरिया है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इसके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है और किस किस में जो हमारे आगार हैं ब्लड अगार है कल्चर मीडिया है किस किस पे ग्रो करते हैं ठीक है थीके? तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे ठीक है सो नाइजीरिया मेनेंजाइटिस ये है स्पेशज जीनस और स्पेशीज हैं ठीक है द फैमिली ऑफ ये द फैमिली ऑफ नाइजेरियाई एंड इट इज अ ग्र ग्राम नेगेटिव ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है डिप्लो कोकाई आप देखेंगे की इनकी जो शेप होती है कुछ इस तरह की होती है डिप्लो कोकाई शेप की होती है ठीक है डिप्लो कोकाई शेप के होते हैं एंड दे आर बीन शेप कोकाई आप ध्यान से देखेंगे तो ये बीन शेप के देखेंगे आपको नॉन स्पोरिंग नॉन मोटाइल ये नॉन स्पॉरिंग होते स्पोर फॉरिंग भी नहीं करते और मोटाइल भी नहीं होते हैविंग जीरो पॉइंट सिक्स एंड वन माइक्रोमीटर डायमीटर इनका जो डायमीटर होगा अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से चेक करेंगे तो जीरो पॉइंट सिक्स टू वन माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है ठीक है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक इसके जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो किस तरह के होते हैं दे आर एरोबिक एंड दे आर नो ग्रोथ एनारोबिकली यानी इनको जो एनवायरमेंट चाहिए ऑक्सीजनेटेड एन्वायरमेंट चाहिए जहां पर एरोबिक कंडीशन हो एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है कि फुल्ली विदाउट ऑक्सीजन होता है ठीक है जो एनवायरमेंट होता है विदाउट ऑक्सीजन होता है तो उस एनवायरमेंट में जो नाइजीरिया बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाते ठीक है इनको चाहिए ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट सो दिमम टेम्परेचर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस एंड सेवन पॉइंट जीरो पीएच इनका जो ऑप्टीम टेम्परेचर होता है बेसिकली थर्टी फाइव थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है और जो इनका पीएच होता है जिसमें ग्रो करते हैं वो सेवन टू सेवन पॉइंट फोर होता है ठीक है दे डू नॉट ग्रो ऑर्डिनरी मीडियम और ये ऑर्डिनरी मीडियम में ग्रो नहीं करते सो दे आर ग्रो एनरिच्ड मीडिया एंड विद ब्लड एंड सीरम यानी ये अनरिस्ट मीडिया में ग्रो करते हैं ब्लड सीरम के साथ यानी एडि, एडिशन क्या होगा इसमें ब्लड और सीरम हम एडि, एडिशन करके इसमें ग्रो करवा सकते हैं अगर हम ब्लड अगार की बात करें तो कॉलोनी स्मॉल होगी राउंड कॉम्प्लेक्स होगा ग्रे नॉन हिमोलाइटिक होगा एंड आफ्टर फोर्टी एट आवर्स द कॉलोनीज बिकम लार्ज विद एन ओपेक रेज सेंटर सो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स अगर हम ब्लड अगार के ऊपर या बैक्टीरिया को ग्रो करवाते कर हैं तो उसमें क्या होगा जो कॉलोनी स्मॉल स्मॉल कॉलोनीज होगी राउंड कॉम्प्लेक्स होगा ग्रे एंड ग्रे होगी ग्रे, ग्रे, ग्रे कलर की नॉन ह्यूमोलाइटिक होगा कोई भी ह्यूमोलाइसिस नहीं होगा वहां पे आफ्टर फोर्टी एट आवर्स ठीक है सो कॉलोनी बिकम लार्ज विद एन ओपेक टी एस बी ट्रिप्टिके सोया ब्रोथ इट इज अ बेस्ड फॉर ग्रोथ एरोबिक बैक्टीरिया अब क्या है ट्रिप्टिकेस सोयाब्रोथ क्या है कि इसमें क्या होते हैं जो भी एरोबिक बैक्टीरिया है वही ग्रो करते हैं कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता जो कि एनआरोबिक होते हैं ठीक है ठीके? मुलर मीडिया इसमें नाइजीरिया ग्रो, ग्रो विद बीफ एक्सट्रैक्ट यहाँ पर क्या है कि इसमें बीफ एक्सट्रैक्ट ऐड किया जाता है जिसके अंदर नाइजीरिया बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं ठीक है फ्रेंड्स केमिकल फ्रेंड्सिकल की बात करें तो ऑक्सीडेस पॉजिटिव होता है इसमें वन परसेंट सोल्यूशन ऑफ ऑक्सीडेज रिएजेंट इसमें वन परसेंट सोल्यूशन के अंदर क्या होता है ऑक्सीडेंस रिएजेंट रिएजेंट क्या होता है ऐड किया जाता है ठीक है डीप पर्पल कलर कॉलोनी क्या होती है फिर डीप पर्पल कलर हमें शो होती है एंड कटाले पॉजिटिव होता है ये इंडोल नेगेटिव होगा नाइट्रेट रिडक्टिव ये नेगेटिव होगा एंड दे डू नॉट अटैक लैक्टोज एंड सुक्रोस ये क्या करते हैं और सुक्रोस को अटैक नहीं करते सैंपल फॉर लैब डायग्नोसिस सैंपल क्या है स्पेशमन क्या लेंगे इसके अंदर सीएसएफ लेंगे और ब्लड लेंगे क्योंकि नाइजीरिया जो है बेसिकली सीएसएफ के ऊपर अटैक करता है बहुत ब्लड बॉडी में ब्लड के ऊपर ज्यादा अटैक करता है पैथोजेनेसिस क्या होगा इट इज अ मेनली कॉज स्किन इनफेक्शन ये स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है जो आप रैसेज वगैरह देखते हैं स्किन के ऊपर वो नाइजीरिया क्या होता है कभी कभी नाइजीरिया बैक्टीरिया भी कॉज करते हैं सो मैंने जाए कोई मेनली कॉजेस हेडेक ये हैडेक भी कॉज करता है क्योंकि बेसिकली आप सीएसएफ के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उससे इफेक्ट होगा और क्या होगा ये हेडेक भी कॉज करेगा तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमारा नाइजीरिया बैक्टीरिया है इसके अंदर बस इतना ही है ये कि पूरे फाइव मिनट्स के अंदर आपका पूरा नाइजीरिया बैक्टीरिया जो है वो खत्म फिनिश हो गया है सो so, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है सो फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच